दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, यूपी, बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज कैसा रहने वाला है पूरे देश के मौसम का हाल। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में बताइए कि किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 अगस्त से भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 और 11 अगस्त को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी है। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो वहीं दिल्ली में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद यह मॉनसून कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे 8 अगस्त को इन इलाकों में व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान है और इन राज्यों में आज होगी बारिश। क्लाइमेट वेदर के मुताबिक आज मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है और यूपी, बिहार और झारखंड में 10 अगस्त से भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 अगस्त से व्यापक वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 और 11 अगस्त को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 11 अगस्त से पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के अगले 5 दिन तक बारिश की गतिविधियों में कमी का दौर जारी रहेगा। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में 10 अगस्त से ज्यादा वर्षा होगी और 11 अगस्त को केरल व तमिलनाडु में बादल जमकर बरस सकते हैं और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। 11 अगस्त को किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 13 अगस्त को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें, राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है। रात से सुबह तक बारिश जारी रही, इससे मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और बारिश के कारण राज्य में कई मकान गिर गए हैं, जबकि अब भी 47 मार्ग बंद है। तो ये थी अब तक की जानकारी। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।